हेलो बच्चों, यू आर लिसनिंग टू महावीर सिंह फ्रॉम फिजिक्स ओपन हाउस। वी आर डिस्कसिंग थ्रू वीडियोस ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, कैन बी सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। We have discussed in the previous video uses and harms of the microbes, and now today we will discuss about the carriers of microbes, the carrier of disease caused by the microbes. The carriers, the most carriers are mosquitoes and housefly. Housefly we will discuss later on. Housefly carry the microbes with the help of their wings. जो घर के अंदर मक्खियां हैं, घरेलू मक्खी जिन्हें बोलते हैं, ये अपने पंखों के द्वारा बीमारी के माइक्रोब्स को कैरी करती हैं। और मॉस्किटो मेल होता है, फीमेल होता है। मेल मॉस्किटो का कोई काम नहीं बीमारी फैलाने में, इसका कोई पार्ट नहीं होता। अगर बीमारी फैलाता है तो वो फीमेल मॉस्किटो, जिसको हम फीमेल एनोफिलिस बोलते हैं, इट कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ये प्रोटोजोअन कॉल्ड प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। ये जो बीमार सफरिंग फ्रॉम फीवर वाला पर्सन है, उसको कट करता है, काट करके उसके ब्लड को चूसता है। वो ब्लड जो है, जब ये किसी हेल्दी पर्सन पर बैठता है तो वो ब्लड ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरह से इसके द्वारा ट्रांसफर कैरी करने से जो स्वस्थ आदमी था, हेल्दी पर्सन, वो भी मलेरिया से सफर करता है। मलेरिया इट सक्स ब्लड ऑफ द पर्सन विच कंटेन प्लाज्मोडियम, और उसी ब्लड को हेल्दी पर्सन पर ट्रांसफर करता है, और इस तरह से ये कैरी करने का काम करता है। दूसरा बीमारी एक और मलेरिया के अलावा डेंगू, जो वायरस के द्वारा है, मच्छर का ही काम। इस मच्छर को जो डेंगू फैलाता है उसको फीमेल एडीएस बोलते हैं मॉस्किटो, और ये डेंगू के फीवर के लिए जिम्मेदार होता है। चाहे मलेरिया हो चाहे डेंगू हो, दोनों के सिम्टम्स करीब करीब एक जैसे होते हैं। हाई फीवर होगा 100 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर होगा, 102 डिग्री तक भी होगा, 103 भी हो सकता है, और शिवरिंग ठंडा भी लगेगा। दोनों इसके सिम्टम है, बुखार भी आएगा, हाई बुखार, हाई फीवर, और शरीर को ठंडा, ठंड भी लगेगी। ये इसकी पहचान है, और इससे बचने के लिए वी हैव सम प्रिवेंशन, कुछ हम सावधानियां बरतते हैं तो इससे बचा जा सकता है। पहली सावधानी हमने बताया आपको, ये जितने भी मच्छर होते हैं, ये ज्यादातर स्टेग्नेटेड वाटर, जहाँ नालियों में, गलियों में, जहाँ भी पॉन्ड्स में पानी रुका हुआ होता है, उसके अंदर गंदगी में पैदा होते हैं, और वहीं पर ब्रीडिंग करते हैं, और 1 से 2 और 2 से 1000 पैदा हो जाते हैं। दूसरा विंडोज इंडोर्स प्रिवेंशन है, इनसे बचने के लिए अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखो। तीसरा प्रिवेंशन है, इंसेक्टिसाइड मार्केट में मिलते हैं, उनको स्प्रे करो घर के अंदर रेगुलरली, नियम से करो, पीरियोडिकली करो। चौथा नंबर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है, और वो शरीर के ऊपर जो पार्ट बॉडी के खुले होते हैं, खासकर हाथ खुले होते हैं, उन पर काटने का कोशिश करते हैं, चेहरा खुला होता है, और जो भी ओपन बॉडी का पार्ट है उस पर रेगुलर आप ये रिपेलेंट क्रीम लगा सकते हैं।
और पांचवा नंबर है जहाँ पर पानी भरा हुआ गंदगी है तो वहाँ पर केरोसिन ऑयल तेल वगैरह अगर आप डाल देंगे तो ये वहाँ पर भी क्लब हो जाते हैं। केरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड ओवर वाटर टैंक टू किल दी लार्वा, जो ये अंडे देते हैं लार्वा कैलिस्टे तो उसमें ये क्लब हो जाते हैं और आगे मॉस्किटो नहीं बन पाते हैं। छठा नंबर मॉस्किटो नेट, ज्यादा मच्छर है तो मॉस्किटो नेट मच्छरदानी आती है उनको चार पाई के चार तक अच्छी तरह से ढक के लगा लो और आराम से आप अपना वापस सो सकते हैं। मॉस्किटो नेट भी यूज ओवर डेस्क इन विच यू स्लीप नो बाइटिंग, तो मच्छर आपको नहीं काटेगा और बाकी भी बहुत सारी बातें हैं यूज करके आप मार्टिन कछुए चाप जला लो कमरे को बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, वैसे इससे 100% मरते नहीं है लेकिन बेहोश होकर गिर जाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा यूजफुल नहीं है। एक काला हिट भी आता है उसको स्प्रे कर लो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप मॉस्किटो से छुटकारा पा सकते हैं और मॉस्किटो नहीं तो मलेरिया भी नहीं और डेंगू भी नहीं। ये मैंने आपको मॉस्किटो के द्वारा कैरी करने वाले माइक्रोब्स के नाम जो आपके MCQ हैं उनमें नाम पूछे जा सकते हैं, मलेरिया किस के द्वारा फैलता है, कॉज ऑफ मलेरिया क्या है, तो ये नाम प्लाज्मोडियम ये नाम याद कर लो, वायरस कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है ये भी याद कर लो और मलेरिया के लिए एनोफिलिस ये भी नाम याद कर लो, MCQ में भी आप इनके आंसर कर सकते हैं। आज का ये मलेरिया वाला प्रोग्राम यहीं तक है, हमारे जितने भी वीडियो हैं वो स्टार्टिंग से हैं, स्टार्टिंग का मतलब स्टार्ट होती है बायो ज़्यादातर छोटी क्लास से शुरू हो जाती है, लेकिन आप कम से कम जो बच्चे हैं सिंसियर जो बच्चे हैं या जिनके पेरेंट्स ज़्यादा सिंसियर हैं वो जो मेडिकल की तैयारी कराना चाहते हैं वो 8th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 8th और फिर 9th फिर 10th फिर 11th 12th सीक्वेंस में चलता है, वैसे ही हायर टॉपिक बढ़ता चला जाता है, टॉपिक वही है लेकिन उसका आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो बढ़ जाता है, इसलिए ये अभी जो हमने वीडियो डाले हैं वो 8th 9th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो प्राइमरी शुरू के स्टेज से ही समझ सकते हैं और आगे धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे और भी लोगों ने वीडियो डाल रखे उनको पढ़ते रहेंगे और आपको फायदा होगा। नीट एग्जाम में आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर होंगे अगर आप पूरा 8th क्लास टू 12th क्लास का सारा सिलेबस अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का याद है। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू वेरी मच।